अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों 2018 का महा टीटी का पेपर आज डिस्कस करेंगे हम लोग। मैं आपको ना बहुत सारी शॉर्टकट इसमें समझाने की कोशिश करूँगा, बहुत सारे ट्रिक भी बताया करूँगा आपको। वह तो आप क्या करो, नोट्स एक पेन डायरी साथ लेके बैठा करो, जो भी बताऊँगा ना इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करते चलो। उसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, जो भी मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो ये जो PDF आपके सामने क्वेश्चन पेपर की, तो मैं इसकी ना जितना मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसकी PDF है ना, जैसा जो मार्किंग मैं कर रहा हूँ उसको मैं आपको ना टेलीग्राम का जो चैनल है वहाँ पे डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको कलेक्ट कर लेना जो भी मैं यहाँ बना रहा हूँ। तो ठीक है, तो ये 2018 का पेपर है, पेपर फर्स्ट का। मैं सोच रहा हूँ कि पहले पेपर फर्स्ट के ख़त्म करते फिर पेपर सेकंड पे जाते धीरे धीरे करके, और ज़रूरी टॉपिक भी डिस्कस कराऊंगा मैं आपको, फिक्र नहीं करो। ठीक है, तो शुरू करते। 2018 का पेपर है ना, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, चूज वन विच इज़ बेस्ट एक्सप्रेशन मीनिंग ऑफ द आइटम्स अंडरलाइन, है ना। तो एक आइटम्स दिया है, इसका अंडरलाइन है क्या क्या, इसका मतलब क्या है हमको देखना है। यहाँ पर ये वाला, हिज सिंगिंग टुक द ऑडियंस बाय स्टॉर्म, टुक द ऑडियंस बाय स्टॉर्म का मतलब होता है, एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि अचानक बहुत बड़ी सक्सेस मिल जाना, बहुत कामयाबी मिल जाना, या फिर अचानक बहुत सारे पब्लिक का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना, कैप्चर कर लेना, तो ऐसा इसका मतलब है। तो इसमें यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो ये है, कैप्चुएट कर लेना, मतलब क्या करना, जो ऑडियंस है उसको क्या करना, कैप्चुएट कर लेना, कैप्चर कर लेना, सीज कर लेना, अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेना, ऐसा इसका मतलब है। तो इसलिए इसका आंसर ये है। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव, दो जगह दिए खाली, वहाँ पे आर्टिकल यूज़ करना है, तो बच्चों आर्टिकल यूज़ करना है। देखो यहाँ पर ना लिखा है कि डैश कंप्यूटर अलाउज, अलाउज का मतलब है कि यहाँ पर ये V5 यूज़ किया है। एक चीज़ तो कंपल्स यहाँ पे कंफर्म होगी कि यहाँ पे कोई ये वाला जो कंप्यूटर है वो सिंगुलर थर्ड पर्सन नाम है, सिंगुलर थर्ड पर्सन, इसलिए द आर्टिकल यहाँ पर दो बिल्कुल नहीं आएगा, यहाँ पर ए या एन ही आना है, ए या एन ही आना है हर हाल में यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ कंफर्म होगी। अगर द आता तो वो सारी कंप्यूटर की बात करता और वो प्लूरल फॉर्म में आता, तो वैसा कुछ नहीं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर एक चीज़ कंफर्म होगी कि ए आना है। सी के हिसाब से क्या आएगा, ए आएगा यहाँ पे। ठीक है, कंप्यूटर अलाउज टू डील विथ लॉट ऑफ डेटा, याद रखना। यहाँ पर आपको एक चीज़ बहुत कॉमन फैक्टर बताता हूँ जो आप नोट भी कर सकते हैं, जो मैं साइड में बताता आपको। देखो आर्टिकल में जब भी आपको यहाँ पर एक खाली जगह रहेगी और एक यहाँ पर एक नाम रहेगा, एक नाउन रहेगा, उसके बाद में ऑफ लगा रहेगा यहाँ पे और एक और नाम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ हमेशा दवा आता, हमेशा दवा आता, हमेशा हर हाल में दवा आना है यहाँ पे। जैसे कि द फैन ऑफ कोई भी कंपनी का हो सकता, द फैन ऑफ पूजा, जो भी है, जो भी लिखना है, जो भी कंपनी का फैन है या जो भी बोलना है, तो ये सेंस है। या फिर द लेग ऑफ चेयर, एक एग्जांपल और बात करते, द लेग ऑफ चेयर, तो ये जब भी पैटर्न आएगा यहाँ पे ऑफ आएगा, एक नाम आएगा, एक नाम आएगा, तो यहाँ द ही लगना ही लगना है, हमेशा पैटर्न याद रखना, सारे एक्सेप्शन को तोड़ के ये यूज होता। तो यहाँ पर भी वही कहानी है, यहाँ पर भी देखो लॉट ऑफ डेटा, तो दो अल्फाज हैं उनके बीच में, एक ऑफ लगा है, ये एक है, तो इसलिए द आना कंफर्म है यहाँ पे। और वैसे भी एक चीज़ कंफर्म हो गई थी, यहाँ ए आना है, तो यहाँ पर ऑप्शन देखते ना, तो यहाँ पे एक स्टार्ट में कहीं भी नहीं है, तो पहले ही ऑप्शन का राइट आंसर आना है। तो दोनों जगह क्रॉस चेक करने के बाद में ये कंफर्म है, मुझे लगता है ये आंसर की मैं गलत आंसर दिया इसका। आगे बढ़ते हैं, इफ़ यू ट्राइड हार्ड, यहाँ पर ना बच्चों ये जो इफ के जो इफ और अनलेस के जो सेंटेंस रहते हैं ना, इसमें कुछ स्ट्रक्चर रहते हैं जो दिमाग में बैठने रहते हैं हमारे। मैं थोड़ा सा फटाफट समझा देता आपको, समझने की कोशिश करना। देखो इफ के साथ अगर एक सेंटेंस रहेगा और बाद में यहाँ एक और सेंटेंस रहेगा, तो अगर इफ के साथ यहाँ पर V1 है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, या फिर V5 है इफ के साथ, तो जो दूसरे सेंटेंस है उसमें वर्ब से पहले क्या आएगा, एक तो शल आएगा, विल आएगा, क्या आएगा या मे आएगा, इनमें से कोई भी एक अल्फाज आता और यह V1 यूज होता। अगर मान लेते ही इफ के साथ यहाँ पर V2 आया, इफ के साथ यहाँ पर V2 आया, सिंपल पास्ट टेंस आया ये वाले सेंटेंस में, तो कॉमा के बाद में यहाँ पे क्या होता, शल का शुड हो जाता, विल का वुड हो जाएगा, कैन का कुड और मे का माइट, और यहाँ पर V1 रहेगा हमेशा, V1। इसके साथ परफेक्ट टेंस में भी ऐसी कुछ फॉर्मूला है, बट मैं अभी परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल सामने आएगा ना तो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर इफ के साथ V2 यूज़ किया है, तो इसका क्लियर मतलब है कि आने वाला पास्ट फॉर्म आना चाहिए और कौन सा आना चाहिए भी बताया मैंने, तो यहाँ पे V2 यूज़ किया उसने, तो वे हिसाब से यहाँ पर कैन बिल्कुल नहीं आ सकता क्योंकि कुड आना चाहिए था, यहाँ पर वुड यूज़ किया, हाँ फाइन, मैं बिल्कुल नहीं आ सकता,
ज्यादा जूम हो गया के। और लास्ट में क्या, उधर भी देखो विल यूज किया उसने, विल, वो विल भी नहीं आ सकता क्योंकि पास फॉर्म चाहिए वहां पे, ये विल भी नहीं आ सकता, इसलिए क्लियर आंसर ये है। 10 सेकंड भी नहीं लगते ऐसे क्वेश्चन के आंसर करने में, बहुत इजी होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर पूछ रहा हूँ सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, है ना, डिग्री का सेंटेंस पूछा है आपको, डिग्री पहचानना है उसमें से करेक्ट कौन सा है पूछना है। तो यहाँ पे पूछ रहा हूँ इंग्लिश इज वन ऑफ, एक मिनट, इंग्लिश इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज टूडे। देखो ये वन ऑफ का सुपरलेटिव का बड़ा ग्रुप है। अब देखो ये बड़ा ग्रुप और छोटा ग्रुप क्या है, मैं जब समझाऊंगा तब समझाऊंगा, अभी आप कुछ चीजें नोट करते चलो। देखो डिग्री के, सुपरलेटिव डिग्री के दो ग्रुप है, कंपेरेटिव के दो है और पॉजिटिव के दो है। तो सुपरलेटिव डिग्री का ये बड़ा बड़ा ग्रुप है वन ऑफ का, और जिसमें वन ऑफ नहीं आता, द ईएसटी आता, द मोस्ट लिखा होगा, वन ऑफ नहीं आएगा, वो छोटा ग्रुप है। तो बड़े ग्रुप के साथ जब भी जो भी नाउन आता वो प्लूरल में आता हमेशा, तो यहाँ पर ये सिंगुलर दिया इसलिए ये गलत हो गया, याद रखो। यहाँ पर देखो वन ऑफ का बड़ा ग्रुप है तो यहाँ पे प्लूरल नाम आना चाहिए, तो ये सही है यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सही है, तो ये वाला सही है। उसके बाद में देखते बाकी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस टूडे, तो यहाँ पर एक्चुअली एक मिनट, देखो बच्चों यहाँ पर वन ऑफ द गायब है, वन ऑफ द गायब है ना, ऊपर वाला द वहाँ पे सिंगुलर कर दिया इसलिए बड़ा ग्रुप है तो नाम प्लूरल आना चाहिए, यहाँ पे सिंगुलर दिया इसलिए गलत हो गया। यहाँ पर वन ऑफ द भूल गया, वन ऑफ द आना चाहिए था, ये गया। यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस, देखो प्लूरल लैंग्वेज यूज किया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए ये सही है, ये गलत था। उसके बाद में इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लैंग्वेज स्टूडेंट, तो यहाँ पर वन ऑफ सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल ही नहीं किया इसने, तो ये गलत हो गया। ठीक है, इसलिए आंसर क्या है, ये वाला क्लियर कट आंसर ये वाला है, नोट करते चलो जो जो चीज़ें समझा रहा हूँ मैं, काम में नहीं आपकी। क्राई ऑफ गोट इज क्या बोलते हैं इसको, ब्लीट बोलते हैं, 4 नंबर का ऑप्शन इसका सही। बच्चों ये ना मैं आपको इसकी पीडीएफ डालने वाला हूँ एनिमल्स के, एक तो एनिमल्स के साउंड, उनके होम, उनके जो ऑफस्प्रिंग है, बच्चे हैं वो, और फीमेल पार्टनर, तो इसकी पीडीएफ है ना मैं टेलीग्राम पे 1-2 दिन में डालूंगा, होगा तो संडे तक डालूंगा क्योंकि अब मुझे टाइम मिलना होता। ठीक है, अगला सेंटेंस है रीअरेंजमेंट का। देखो रीअरेंजमेंट का मैंने आपको कल समझाया था कल के पेपर में, आज मैं रिपीट नहीं करूंगा, कल का लेक्चर देख लेना, कल का आप प्ले स्टोर में जाइए, 2024 के महा टीटी के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का, वहाँ आपको प्लेलिस्ट में एक टाइटल मिलेगा, उसके अंदर में जो पहला लेक्चर है मेरा 2014 का पेपर सॉल्व कराया मैंने, तो मैंने इसकी ट्रिक बताया इसमें कि कैसे सॉल्व करना है। अगर मैं हर दिन बताते चलूंगा ना तो बहुत लंबा लेक्चर होगा, इसलिए नहीं, मैं आप डायरेक्टली आंसर पे आता हूँ, आप वहाँ जाके देख लेना। देखो बच्चों मैंने वहाँ साफ तौर पर कहा कि कोई भी सेंटेंस है ना वर्ब से शुरू नहीं होता, वर्ब से नहीं होता, ये गया और ये भी वर्ब से शुरू हो रहा, ये भी गया, और मैंने आपको वहाँ ये भी कहा था कि V1 से शुरू होगा इंपेरेटिव सेंटेंस, तो वो वर्ब का पहला फॉर्म होगा, यहाँ पर रूल है इसलिए भी गया, ये भी गया, मतलब सेंटेंस इससे स्टार्ट हो ही नहीं सकता, दोनों से, किसी नाउन से होता है स्टार्ट, नाउन से, तो यहाँ पे भी नाउन दिखेगा आपको और यहाँ पे भी नाउन दिखेगा, तो इससे स्टार्ट होगा, तो ये दो ऑप्शन तो गए हमारे, मतलब आर से कभी कोई स्टार्ट नहीं होना है और एस से भी नहीं होना है, तो यहाँ पे एस से ये गया, एक ही गया समझो, एक ऑप्शन कट गया। अब हमको बाकी उसमें ना लॉजिकल कनेक्शन ढूंढना है, तो एक तो सेंटेंस स्टार्ट होगा पी से या होगा क्यू से, तो हर जगह क्यू से ही है ना, हर जगह क्यू से, तो ये भी इससे भी ये भी निकल गया एक ऑप्शन। अब क्यू से ही, तो क्यू का दूसरा लॉजिकल कनेक्शन ढूंढना पड़ेगा आपको, एन ओल्ड किंग है ना, एन ओल्ड किंग, अब मैंने ये कट किया मतलब स्टार्ट नहीं हुआ उसे ना, स्टार्ट नहीं हुआ इसलिए कट किया, सेंटेंस में लॉजिकल कनेक्शन ढूंढना रहता। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन तो कट गया। अब यहाँ पर ये वाला पहला सेंटेंस जो पहला है जो शुरुआत हो रही है उसी क्यू से, तो लिखा है एन ओल्ड किंग रूल्ड ओवर हिज किंगडम, है ना, रूल्ड ओवर हिज किंगडम, तो उसके बाद का ये इमीजिएटली सेंटेंस है। यहाँ पे इसको गौर से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, मैं छोटा लिखने की कोशिश करता, एन ओल्ड किंग, ठीक है, अब रूल मतलब ये उसका लॉजिकल कनेक्शन है, रूल्ड रूल्ड ओवर हिज किंगडम, ओवर हिज किंगडम किंगडम, बट उसने क्या किया, ये किंग कौन है, ये किंग कौन है, इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए बीच में क्लॉज डाला कोल्ड राजा राम, तो मतलब इसके बीच में उसने यहाँ पर एक फ्रेज डाला बीच में ताकि वो किंग को इंट्रोड्यूस कर सके, एक छोटा सा फ्रेज डाला है ना, एन ओल्ड किंग कॉल्ड राजा राम रूल्ड ओवर हिज किंगडम, ऐसा ये सेंटेंस लॉजिकली कनेक्ट होता, तो मतलब आपका क्यू पहले है उसके बाद में एस है और उसके सॉरी पहले क्यू है उसके बाद एस है और फिर बाद में आर है, तो ये आपको देखना पड़ेगा ऑप्शन से, तो ये कौन से उसमें
क्यू एस आर, तो क्यू सॉरी क्यू एस और आर, तो पहला वाला ऑप्शन सही है, क्यू एस आर ये वाला, ठीक है, क्यू एस आर पी, ये इसका करेक्ट आंसर है। देखो यहां पर याद रखना, कोई भी दो सेंटेंस में लॉजिकल कनेक्शन बैठ गया ना, तो वो एक्सक्लूड कर देना ऑप्शन। स्टार्ट में क्या है ये सब देखते नहीं बैठना, कहीं भी आपको दो लोग दो दो मतलब जो दो फ्रेज है या दो पार्ट है उसमें लॉजिकल कनेक्शन बैठ गया ना, तो उसको कनेक्शन ढूंढना और बाकी चीजों को एक्सक्लूड करना, इससे आपको आंसर देने में आसानी आएगी, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं हम लोग क्या पूछ रहा हूँ यहाँ पर। द फाइंड आउट द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैज एन एरर, एरर किसमें आपको पहचानना है, मतलब ये आपको सेंटेंस दिए इसमें एरर पहचानना है। तो पहला लिखा है द यंग चिल्ड्रन फ्रॉम द इंटरनेशनल स्कूल बी सिंग, देखो सिंग है ना जो, तो इसका सेकंड फॉर्म, सिंग का सेकंड फॉर्म है ना संग, आता संग ऐसा आता बच्चों, तो इसलिए ये गलत हो गया, बी रॉन्ग हो गया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज इन द गिवन सेंटेंस, तो क्लॉज पूछ रहा है यहाँ पर, ये कौन सा क्लॉज है ये वाला। तो बच्चों एज इफ ना आप पहले से लिख लो या मान लो, एज इफ है ना हमेशा एडवर्ब क्लॉज रहता, क्या रहता, एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज रहता, उसमें भी क्या रहता मैनर रहता, उसमें भी हमेशा क्या रहता मैनर, ठीक है। तो ये 100% श्योर और प्री डिसाइडेड है, यहाँ पर कोई लॉजिक ढूंढने का या कुछ समझने का कुछ काम ही नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर हमेशा यही है। और एज इफ का याद रखना है ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझा था मैं ना, ही एक्ट एज इफ ही बिहेविंग एज इफ ही वॉज अ शाहरुख खान या ही इज अ शाहरुख खान, वो तो ऐसे बिहेव करने लगा जैसे वो मंत्री है या शाहरुख खान है ये वगैरह वगैरह। तो ये सब मैनर का हिस्सा है और एडवर्ब क्लॉज में आता है, हमेशा ये आंसर आता है। आप लिख लेना कभी भी आएगा तो ये करके आंखें बंद करके करने के आना। अगला सवाल है सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ द नंबर सो दैट द लेटर, देखो यहाँ पर ना ऐसा आपको पूछता है एक सवाल जिसमें ना ऐसे लेटर दे देता है और नंबर दे देता, तो इसको क्या करना है आपको प्रॉपर वर्ड तैयार करना रहता है इसमें। हमको क्या करना रहता है प्रॉपर वर्ड, इसमें वर्ड तैयार करना रहता प्रॉपर, तो क्या करना रहता मैं आपको थोड़ा बता देता, मैं तैयारी नहीं करता। आपने क्या करना हमेशा थर्ड नंबर से शुरू करना, थर्ड नंबर से, क्योंकि पहले वो जानबूझ के नहीं देता आपका टाइम वेस्ट हो, इसलिए तो क्या करना थर्ड नंबर से शुरू करना और जो भी अप्रोप्रिएट वर्ड है वो बिठा लेना यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे तीन के ऊपर क्या है, यहाँ पे तीन के ऊपर ई है, ठीक है, तो ये पुलिस लिखा हुआ है शायद, है ना, दिख के ही लग रहा पुलिस, तो इसलिए पी वाला दो नंबर का जो स्टार्ट में रहेगा वही आंसर रहेगा उसका ये वाला। बट आपने क्या करना तीन से शुरू करना, तीन से शुरू करना और तीन के ऊपर क्या है तो ई है ना, उसके बाद में चार के ऊपर क्या है तो यहाँ पे एल है, तो ऐसा लिखते चलना है यहाँ पे, तो आपको प्रॉपर अरेंजमेंट सेंटेंस दिख जाएगा, तो वो राइट मार लेना। यहाँ पर खुला दिख क्या रहा पुलिस लिखा हुआ है यहाँ पे, इसलिए मेरे को पहले जजमेंट आ गया इसलिए मैंने इसका आंसर कर दिया, ठीक है। बट आपने ऐसा लिख कर ट्राई कर लेना, ठीक है। चूज द करेक्ट यूज टू, बच्चों ये जो है ना मॉडल ऑक्सिलरी यूज टू, ये हैबिचुअल एक्शन मतलब पास्ट में माजी में कोई आपकी आदतें थी, हैबिचुअल एक्शन था उसको इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता, और एक अल्फाज उसके लिए सेम यूज होता वो है वुड, ये दोनों ही पास्ट के हैबिचुअल एक्शन के लिए इंडिकेट करता है। तो हमको क्या करना है ये वुड की जगह पे यूज टू लिखना है, बस इतना ही करना है। तो देखो यहाँ पे यूज टू लिखा है बराबर, यहाँ पे लिखा है यहाँ पर वुड भी है और दोनों एक साथ यूज करा इसलिए गलत हो गया। यहाँ पर यूज टू गॉट, गॉट कभी नहीं होता, कभी भी याद रखना टू के बाद वी वन आता हमेशा, वी टू कभी नहीं आता, इसलिए गॉट कर दिया उसने ये गलत हो गया। और यहाँ पे यूज टू टू गायब कर दिया इसलिए गलत हो गया, इसलिए आंसर क्या है पहले नंबर का। अगला क्वेश्चन देखते हाउ अमेजिंग इट इज आई सेड, है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, आपको इनडायरेक्ट करना है उसमें। देखो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसकी जगह एक्सक्लेम्ड यूज किया जाता है, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड यूज किया जाता है, और कंजक्शन हमेशा कंजक्शन दैट यूज किया जाता है, दैट दैट, ठीक है। और टेंस हमको मालूम है कि पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना रहता, तो ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में ना सिंपल प्रेजेंट टेंस की चीजें डायरेक्ट सिंपल पास्ट टेंस में एज इट इज हो जाती है। तो यहाँ पर एक्सक्लेम, यहाँ पे एक्सक्लेम है, यहाँ पे एक्सक्लेम है, यहाँ पे भी ये गया, कंजक्शन सब जगह दैट दैट है, यहाँ पे दैट है, यहाँ पे दैट है, ठीक है, यहाँ पे भी दैट है। अब यहाँ पर ये वाला जो सेंटेंस है ना, देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का थोड़ा समझा देता मैं, जैसे कि यहाँ के लिए हाउ अमेजिंग इट इज, तो मैं एक ही बताता बाकी सब समझ लेना, हाउ अमेजिंग इट इज है ना एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, तो इसको नॉर्मल सेंटेंस कैसे बनाते, मतलब असरेटिव सेंटेंस कैसे बनाते समझते। क्या करना यहाँ पर सब्जेक्ट के पास ऐसी लकीर खींचना और इसको उठा के स्टार्ट में लेके आना, तो ये क्या हो जाएगा इट इज हो जाएगा, इट इज, और ये हाउ का क्या होता वेरी,
इसका हाउ का वेरी हो जाता है और ये जैसा का वैसा लिख देना। अमेजिंग। तो ये नॉर्मल सेंटेंस हो गया। अब इसका टेंस चेंज करेंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इसको सिंपल पास्ट में करना पड़ेगा, इट वॉज। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में टेंस चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप गौर से देखेंगे ना, यहाँ पर तो इट वॉज आना चाहिए, इट वॉज। तो यहाँ पर उसने क्या किया, इट हैज लिया, इसलिए गलत। इट वॉज सही है, इट वॉज भी सही है, और इट इज टेंस चेंज नहीं करा, ये दो गलत हो गए। ये तो पहले ही गलत था, इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया, 2 नंबर का। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते, चूज करेक्ट क्वेश्चन टैग। देखो क्वेश्चन टैग बनाते टाइम हमको क्या करना है, अगर हेल्पिंग वर्ब, दो बातें याद रखो, एक तो अगर क्वेश्चन टैग नेगेटिव रहा तो, सॉरी स्टेटमेंट नेगेटिव रहा तो टैग पॉजिटिव बनता, मतलब हमारा जो टैग बनने वाला है पॉजिटिव बनने वाला है। तो जहाँ पे भी नेगेटिव लिखा है, जैसे नॉट ये गया पहले, ये भी गया, ठीक है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिया है कैन, याद रखना सब्जेक्ट कभी भी दिया है, नाम दिया रहा, कोई नाउन दिया रहा तो उसका प्रोनाउन यूज करना पड़ता। तो यहाँ पर मनोरमा एक लड़की का नाम है तो शी यूज हुआ उसके बदले का, क्योंकि नाम दिया उसने, तो कैन शी इसका आंसर है, ठीक है। तो ये वाला आंसर है इसका। उसके बाद में अगला है करेक्ट कंपाउंड सेंटेंस यूज करना है। कंपाउंड सेंटेंस में ना याद रखना फैन बॉयज की जो कंजक्शन रहते हैं, एफ ए एन फैन और बॉयज, बी ओ वाई एस, फैन बॉयज। तो मैं ये फैन बॉयज में क्या था, एफ का फोर, ए का एंड, एन का नोर, बी का बट, ओ का और, वाई का यट और एस का सो। ये जो फैन बॉयज वाले जो कंजक्शन तैयार होते हैं, इंटरनेट पे सर्च मार लेना फैन बॉयज, आपको पहले मिल जाएगा फटाफट। तो फैन बॉयज वाले सब कंपाउंड सेंटेंस के रहते हैं। तो यहाँ पर देखो कहा है फैन बॉयज वाला, एक तो पहले यहाँ पर एंड आ गया ये वाला, और एक दूसरा एंड आ गया ये जो सो एज है ना, जो तो हमेशा क्या रहता, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जाम्पल है। और यहाँ पर फोर मेकिंग है ना, फोर मेकिंग कंजक्शन नहीं, यहाँ पे कंजक्शन की तरह यूज नहीं किया, प्रीपोजिशन के यूज किया, तो ये भी निकल गया। तो दो ही सेंटेंस बचते यहाँ पे, अगर गौर से इसको जूम करूँ क्या थोड़ा, इसको गौर से देखेंगे तो कंजक्शन में क्या आता है, यहाँ पर कोई कंजक्शन नहीं, एक ही सेंटेंस है, यहाँ से वहाँ से एक ही सेंटेंस है, क्योंकि एक ही वर्ब है यहाँ पे वर्क, उसके अलावा कहीं भी वर्ब है ही नहीं। आप बोलेंगे ये जिरंड बोलते हैं इसको, ये कोई वर्ब नहीं है, ठीक है। तो ये तो पहले निकल गया, एक एंड यहाँ है, ये जो है ना ये कॉम्प्लेक्स का है, तो ये भी निकल गया। अब यहाँ पे एक एंड है और यहाँ पे एंड है, तो हमको पढ़ना पड़ेगा ही मस्ट। अब देखो हमको सेंटेंस चेंज करना है तो इसका टेंस वैसे ही रखना पड़ेगा, चेंज नहीं करना पड़ेगा। ही मस्ट वर्क वेरी हार्ड टू मेक, और यहाँ पे वर्क मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पर देखो मस्ट वर्क और मेक मतलब टेंस बदला नहीं उसने, इसलिए ये सही है। और यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो वर्क है और यहाँ मेड आ गया, मेड मतलब टेंस चेंज कर लिया, इसलिए गलत हो गया, इसलिए आंसर ये वाला रहेगा। अगला क्वेश्चन, चूज करेक्ट स्पेलिंग। देखो हेट्रोजीनियस की स्पेलिंग ये करेक्ट है, स्पेलिंग मैं खुद भूल जाता बच्चों, तो आपको क्या सिखाऊंगा, इसलिए ये वाला मुझे देख के आया इसलिए पता है। सिलेक्ट वर्ड विच इज इन नियरेस्ट मीनिंग ऑफ, ब्लिजर्ड का मीनिंग पूछ रहा क्या है, तो ब्लिजर्ड बोलते हैं ना कनाडा में आता है ये स्नो स्टॉर्म, मतलब बर्फीला तूफान आता है, उसमें बहुत बारिश होती है, बर्फीली बारिश होती है और तूफान आता बहुत बहुत नुकसान भी होता है उधर से, कनाडा और अमेरिका में आता ठंडी जगहों पर, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट मतलब यही है। उसके बाद में यहाँ पे पूछ रहा हो कि अंडरलाइन जो दिया है उसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर क्या लिख ले, अगर इसको पढ़ेंगे तो क्या लिख ले कि मेडिकल साइंस विच इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज ऑफ स्किन, स्किन की बीमारियों के लिए जो स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट ना, जो स्किन के डॉक्टर रहते हैं उनको भी डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट बोले तो हमारा जो न्यूरोन है दिमाग का हिस्सा है उसके लिए किया जाता है। गायनेकोलॉजिस्ट मतलब जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड डॉक्टर रहते ना उनको बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट, और पेडेट्रिक बच्चों के रहते उनको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, 17 नंबर का। यहाँ पे एक्स्ट्रा विजन मतलब क्या रहता है, एक्स्ट्रा विजन मतलब जो एकदम खर्चा करता, बेहिसाब खर्चा करता उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा विजन, और इकोनॉमिकल उसको बोलते हैं जो खर्चा कम करता उसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पता बताया आपको कि ये बट क्या है, तो फैन बॉयज में का बी है, फैन बी बॉयज में का बट कंजक्शन है, ठीक है, तो कंजक्शन की तरह इस्तेमाल हुआ उसको, इसलिए आंसर ये है इसका। उसके बाद में चूज करेक्ट प्रीपोजिशन, यहाँ पर क्या लिखा है कि शी इज सिटिंग बिटवीन, देखो दो लोगों के बीच में अगर कोई बात बोलना रहा ना तो बिटवीन बोलते हैं, और दो से ज्यादा लोगों के बीच में कोई बात हुई तो अमंग बोलते हैं इसको, इसलिए इसका आंसर क्या है ये वाला। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको फिगर ऑफ स्पीच पहचाननी है ना, सी ऑफ पीपल है ना, सी ऑफ पीपल मतलब मेटाफर, मतलब सी ऑफ पीपल मतलब लोग नहीं है समंदर ही है ऐसा बताना है, इसको बोलते हैं मेटाफर। मेटाफर अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको, सिमिली और मेटाफर, तो वही कहानी है यहाँ पे, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन मतलब करना क्या, जो इंसान नहीं है उसको इंसान बनाना, इंसान की जैसा उसको काम करवाना, उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन।
ठीक है, यहाँ पे एक्टिव वॉइस पूछ रहा हूँ आपको, एक्टिव वॉइस करना है किसका, लेट द डोर बी ओपन, तो सबको पता है ओपन द डोर आएगा इसका, ये बहुत सिंपल पूछ लिया इसने। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आज भी क्या पता नहीं कि बैटरी खत्म हो जाती इसकी, चलो थोड़ा फटाफट कर दे क्योंकि इसकी बैटरी लो होगी ना माइक की, तो फिर हमारा लेक्चर रह जाएगा मैसेज। कंपेरेटिव डिग्री पूछ रहा है आपसे, तो कंपेरेटिव डिग्री आपको कंपेरेटिव बना डिग्री बनाने के लिए बोल रहा हूँ किस ये सेंटेंस की, तो ये सेंटेंस जो है ना, ये जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव डिग्री का है और बड़े ग्रुप का है, वेरी फ्यू बड़ा ग्रुप आता पॉजिटिव डिग्री का, तो हमको बड़ी डिग्री का मतलब कंपेरेटिव डिग्री का बड़ा ग्रुप देखना है जिसमें देन क्या आता, देन के बाद मेनी अदर, मेनी या मोस्ट अदर, मोस्ट अदर देन मोस्ट अदर, और जो भी नाम आएगा वो प्लूरल आएगा, जो भी नाम रहेगा ना यहाँ पे वो प्लूरल रहेगा, याद रखना बड़े ग्रुप में, देन मेनी अदर, सॉरी यहाँ पे अदर लिखना भूल गया मैं, मेनी और मोस्ट में से कोई एक आएगा और अदर लिखा हुआ रहेगा, और जो भी नाम आएगा आगे तो वो प्लूरल रहेगा यहाँ पे। तो अब हम लोग देखते हैं इसको, शुरू करते देखना है ना, इंडियन जुडिशियल सिस्टम, तो यहाँ पर इंडियन जुडिशियल सिस्टम, यहाँ पर क्या बोल रहा हो, वेरी फ्यू जुडिशियल सिस्टम है ना, प्लूरल है यहाँ पे, इन द वर्ल्ड आर एज गुड एज इंडियन जुडिशियल सिस्टम, तो इंडियन जुडिशियल सिस्टम आएगा यहाँ पे, इज बेटर देन है ना, बेटर देन मोस्ट अदर जुडिशियल सिस्टम है ना, तो यहाँ पे प्लूरल आना चाहिए था, तो ये इसलिए गलत हो गया, सिंगुलर इसलिए, यहाँ पर देन एनी अदर आ गया, एनी अदर नहीं आता, मोस्ट और मेनी अदर आता, यहाँ पर देन देन एनी अदर आ गया फिर से, ये भी गलत, देन मोस्ट अदर जुडिशियल सिस्टम, ये प्लूरल नाम आ गया इसलिए बराबर है, ठीक है, बहुत सिंपल होते डिग्री के, तो एकदम फ्री के मार्क्स। मॉडल ऑक्सिलरी यूज करना है आपको, देखो यहाँ पर मिलिट्री के लिए ना कंपल्शन आना चाहिए ना, मस्ट आना चाहिए, मस्ट मस्ट ऑब है ना, कंपल्शन आना चाहिए यहाँ पे, ये रहता ठीक है, मस्ट आइए, अगर मस्ट नहीं रहेगा, कंपल्शन नहीं रहेगा सोल्जरों पे, तो सोल्जर अगर सही से काम नहीं करेंगे तो दुश्मन देश में घुस जाएंगे ना, तो इसलिए उनको हर चीज़ मानना है, कंपल्सरी है, कंपल्शन है वहाँ पे। मैं आपको ये इनकी सबका फ़र्क है ना नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, मेरे हिसाब से माइक की ना चार्जिंग खत्म होने वाली है, तो फिर हमारा लेक्चर बंद हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ। यूज इनफ, इनफ का स्ट्रॉन्ग, देखो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर वेरी स्ट्रांग है ना, तो स्ट्रांग अल्फाज के साथ में जो इनफ रहता ना बाद में रहता हमेशा, तो यहाँ पर ये वेरी स्ट्रांग तो बराबर है, पर अब स्ट्रांग के साथ इनफ यूज़ करेंगे तो बाद में यूज़ करना है, तो यहाँ पर वेरी भी यूज़ करा, इनफ भी यूज़ करा, मतलब दोनों यूज़ नहीं कर सकते आप, इसलिए गलत हो गया। स्ट्रांग इनफ ये सही है, यहाँ पर स्ट्रांग इनफ ये भी सही है, पर क्या गलत है बाद में देखते हैं, यहाँ पर इनफ स्ट्रांग ही ये गलत हो गया। अब हम चेक करते हैं दो और तीन नंबर को, है ना, शी इज सो स्ट्रांग इनफ, यहाँ पर सो नहीं आता, सो वेरी नहीं आ सकता, इनफ है तो ये भी गलत हो गया, इसलिए आंसर आ गया ये वाला। Appropriate alternative fill in the blank है ना, what are you looking for है ना, ये looking for हमेशा looking for आता, हमेशा looking के साथ for आता, मतलब किस लिए देख रहे हो, किस लिए ढूंढ रहे हो, looking for आता हमेशा, आपको बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसमें, ठीक है। तो बच्चों 25 क्वेश्चन हो चुके हैं सॉल्व करना, बाकी अब कल मैं नया पेपर के साथ आऊंगा, और ये जो अभी सॉल्व किया मैंने इसकी PDF भी आपको शेयर कर देता टेलीग्राम पे, जो मैंने जिस तरह मार्किंग की उसको आपके काम में भी आ सकता जो भी मार्किंग है, तो उसके अलावा वीडियो को शेयर कीजिए बाकी सब दोस्तों तक, ठीक है। और मैं डेली इंग्लिश में क्वेश्चन बनाने वाला हूँ, लेने वाला हूँ, तो बने रहिए और शेयर कीजिए, मिलते कल फिर, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।